आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज दैट? एग्रीकल्चर सेंसस 2015 और 16. नाउ ये जो अभी सेंसस हुआ है, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये एग्रीकल्चर सेंसस क्या चीज है. देखिए, ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है 2015 और 16 का ये सेंसस है. एंड पहली बार जो एग्रीकल्चर का सेंसस हुआ था वो 1971 में हुआ था. नो, एग्रीकल्चर सेंसस क्यों कराया जाता है? एग्रीकल्चर सेंसस कराने का कारण ये है, एक तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो नेट क्रॉप एरिया है, नेट सोन एरिया है, ग्रॉस सोन एरिया है, वो कितना है, कितने एरिए में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इससे पता चलती है वो हमें फार्म साइज का पता चलता है. बिकॉज एक फार्म साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि एग्रीकल्चर किस तरह का हम कर पाएंगे. अगर हमारा फार्म साइज बहुत बड़ा रहेगा, हम उसके ऊपर मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज को बेटर वे में यूज कर सकते हैं. एंड बड़े फार्म जो स्केल रहेगा उसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहता है. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो इस सेंसस में सामने आई है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है. इट इज़ अ थिंग दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट इज़ दैट? देखिए, 1971 में जब पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ, उस टाइम पे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ फार्म्स हैं, जो किसानी के यूनिट्स हैं, देवर जस्ट 71 मिलियन. तो सिर्फ 7 करोड़ के करीब थे हमारे पास फार्म यूनिट्स. आज की डेट में वो फार्म यूनिट्स बहुत बढ़ गए हैं. हमारे पास आज की डेट में 14 करोड़ फार्म यूनिट्स हैं. अभी इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये मतलब है कि आज की डेट में हमारा जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे हो चुके हैं. 1971 में एक जो एवरेज फार्म साइज था हमारे पास, जिसके ऊपर किसान प्रैक्टिस करता था, दैट फार्म साइज वाज अबाउट 2.25 हेक्टेयर था. वो घटके, वो कम होके आज की डेट में सिर्फ 1.1 हेक्टेयर रह गया है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में जो हिंदुस्तान में के सामने आ रहा है वाला. अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर को कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन में एवरेज फार्म साइज है मोर देन 1000 हेक्टेयर्स. अगर आप कनाडा का बात करते हैं, कनाडा में क्या है, वहां का एवरेज फार्म साइज 300 हेक्टेयर्स है. तो इन कंपैरिजन टू दैट, इंडियन फार्म साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. एंड इन दिस स्मॉल साइज वी कैन नॉट डू लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन. इसको बेटर वे में हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. तो अभी हम इस फार्म साइज को, एक तो हमें बड़ा करना है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, ये जो अभी एग्रीकल्चर सेंसस ने हमारे सामने पेश किया है. अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. नीति आयोग ने बहुत सारा सजेशंस दिया है कि आप लॉज में बदलाव कीजिए, लॉज में चेंजेस कीजिए. लॉ में जब चेंज आएगा, लॉ में जब बदलाव आएगा, तो उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं. उससे पहले मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अनदर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं, उन लोगों की आबादी जो है सिर्फ 1% आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. हमारे देश का लगभग 24 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. एंड इट इज अ ह्यूज नंबर. 23-25 करोड़ बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे, इतने किसान हैं हमारे देश में. क्योंकि हमारा टोटल वर्क फोर्स कितना है, इट इज 52 करोड़. 52 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो रोज घर से निकलते हैं और काम करते हैं, उनसे अपना लाइवलीहुड वो करते हैं. एंड उसमें एग्रीकल्चर में फार्मर का शेयर बहुत ज़्यादा है. अभी ये जो शेयर है ये प्रोडक्टिव शेयर नहीं है. उसका कारण क्या है? देखिए, 45% लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में सिर्फ 14-15% है. अगर आप सर्विस सेक्टर में देखें, सर्विस सेक्टर में पॉपुलेशन कम इन्वॉल्व है, बट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है द ओवरऑल GDP वो ज़्यादा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज़ नॉट दैट रेम्यूनरेटिव. अभी नीति आयोग क्या कह रहा है, अभी नीति आयोग ने क्या सजेशन दिया है? नीति आयोग कह रहा है कि आप कुछ लॉज को चेंज कीजिए. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हमारा एग्रीकल्चर में क्या चेंज करने वाला है, हमारा यूनिट बहुत छोटा है.
हमने अपने यूनिट को बड़ा करना है। अभी हमारा यूनिट बड़ा कैसे हो सकता है? पहले सबसे हमारा लॉ ये कहता है, अभी लैंड जो लैंड सीलिंग लॉ है हमारे पास, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था देश की आज़ादी के बाद, बहुत लोगों के पास बड़े टुकड़े थे। हम नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा बड़े टुकड़े रहें, कुछ लोगों के पास कम टुकड़े रहें, इसलिए हमने कंसेप्ट लिया लैंड सीलिंग का। एक तो लैंड सीलिंग को हमें बदलना पड़ेगा, दूसरा हमें बदलना पड़ेगा लैंड टाइटलिंग को। जमीन किसके नाम पे बोलती है ये हिंदुस्तान में क्लियर नहीं है। इस चीज को लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कोर्ट के केसेस चलते रहते हैं हिंदुस्तान में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लैंड लीजिंग। आज की डेट में कोई किसी को जमीन दे दे, ठीक है, किसानी करने के लिए, वो आदमी वो जमीन को हड़प के बैठ जाता है, हड़पने के बाद वो कोर्ट में केसेस चलते हैं। लैंड लीजिंग लॉ क्लियर नहीं है हिंदुस्तान का, तो लैंड लीजिंग लॉ को हमें बदलना पड़ेगा। एंड उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ चाहिए। एंड उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉ जो नीति आयोग ने सजेस्ट किया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, जिनको उन्होंने नाम दिया ग्राम्स, ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट्स। अभी जो किसान है, छोटा किसान है, वो अपनी पैदावार को बेचने के लिए वो शहर जाता है तो बहुत लंबा उसको रास्ता तय करना पड़ता है। इतना लंबा रास्ता उसको तय करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि गांव से शहरों की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम गांव में मार्केट को डेवलप कर सकते हैं, गांव में ही प्रोसेसिंग हो फूड का। इससे इंडियन एग्रीकल्चर बहुत रिवाइटलाइज होगा, बहुत रीइन्वाइगोरेट होगा, इसमें जान आ जाएगी एंड इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसकी पकड़ बन जाएगी, बहुत अच्छी तरह से एंट्रेंच हो जाएगा। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8459400000। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर क्लास करूं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन टॉपिक्स को पिक कर लूँगा जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप शेयर कीजिए इस क्लास को, अपना जो भी आपका सर्कल है, फेसबुक पे हो आप, यूट्यूब पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं चंडीगढ़ में एंड दिल्ली में, दोनों जगह पे अवेलेबल है हमारी क्लासेस, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।